बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। अब कोई शुभ दिन देखकर शादी की तारीख भी पक्की कर लो। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन एक बात है। बोलो बेटा बोलो। सेठ जी आपको तो मालूम है डैडी की भी बरसी नहीं हुई, इसलिए मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं मेरी और सीमा की शादी की बात आपके मेरे बीच ही रहे, क्योंकि समाज का भी तो ख्याल करना पड़ता है। जाहिर है, हम लोगों को बोलने का मौका ही क्यों दें। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं तुम्हें सीमा से मिलवा तो दूं। सीमा की माँ, सीमा, सीमा बिटिया। पिताजी। अरे बेटे इनसे मिलो, ये है मिस्टर दीपक राय। मैं जानती हूँ, मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मम्मी तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। जी बाबू मां जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम क्या नाम है मेरा? हाँ दीपक राय भाटिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी क्या क्या नाम है मेरा? सीमा। अच्छा अच्छा सीमा, बहुत खूब बहुत खूब भाई। हमें तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई, तुमने तो दहेज का सवाल ही खत्म कर दिया। और फिर बड़े लोगों में रिश्तेदारी होती रहती है, इसका बेटा उसकी बेटी, उसकी बेटी उसका बेटा। मगर एक बात है सेठ जी। बोलो बेटा बोलो। आपको तो मालूम है डैडी की भी बरसी नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ रीटा और मेरी शादी की बात आपके और मेरे बीच ही रहे, आखिर समाज का भी तो ख्याल करना पड़ता है। जाहिर है जाहिर है, हम लोगों को बोलने का मौका क्यों दे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सुनो एक बात है, रीटा की रजामंदी तो बहुत जरूरी है। उसे शिकार खेलने का और बंदूक चलाने का बहुत शौक है। तुम्हें बंदूक चलानी आती है ना? बचपन से ही शिकार खेलता आया हूँ, अभी भी तो शिकार ही खेल रहा हूँ। तो ठीक है, अभी मिला देता हूँ। चलिए आओ रीटा बेटी। यस डैडी। एक और उम्मीदवार आए, मिस्टर दीपक राय। बेस्ट ऑफ लक यंग मैन। गॉड ब्लेस यू। गली टूट गई। Come on. Oh no, खोलो। Silly, हाथ खोलो। मुझे अपने से अच्छा निशानेबाज चाहिए। लो लो। ये क्या कर रहे हो? मुझे गोली लग जाती तो? जहाँ मैं गोली चलाता हूँ ना, वहाँ गोली लगती नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर वापस चले जाओ। यू आर डिसमिस्ड। You are fantastic. You are the man. नमस्ते ठाकुर। आइए आइए दीपक बाबू, कैसे आना हुआ? जी आपसे काम था। कहिए ना। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। हाँ हाँ। अच्छा भाई, हीरा लाया हूँ गिरवी रखने के लिए। अरे ये तो हमने आपके पिताजी के लिए बनवाया था जी। कितने पैसे चाहिए? ये कुछ 40,000। हाँ हाँ मिल जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है।
कहिए, इसमें आप बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक नग चढ़वा दीजिए। अगर आप ऐसा कहते तो लगवा देते। रूप भाई, जरा एक नग का बॉक्स तो देना वहां से। किसी को पता तो नहीं चलेगा। कैसी बातें करते हैं आप, अगर किसी को पता चल गया तो ठाकुरदास ज्वेलर को कौन पूछेगा। थैंक यू। जीते रहो बेटे। आई एम प्राउड ऑफ यू। कंग्रेचुलेशन दीपक। हेलो, तुम बैठो। लीजिए सेठ जी आइसक्रीम। अजी आपने तकलीफ क्यों की? तकलीफें तो मेरी सब दूर हो गई हैं सेठ जी। अब तक तो आपसे बिजनेस था, अब तो हम रिश्तेदार हो गए। वो तो ठीक है कि हमारी रिश्तेदारी हो गई श्याम सुंदर जी, लेकिन मैं बिजनेस में रिश्ता नहीं रखता। आप मुझसे रुपया लेंगे तो मैं ब्याज कम नहीं लूंगा। अरे सेठ जी, आप ब्याज ज्यादा लेंगे तो मैं अपनी बहू से कहूंगा दो चार महीने आपकी बहू के यहाँ रहा है, ब्याज की रकम हमने आप वसूल हो जाएगी। मैं, बड़ी घटिया स्कीम है आपकी, ये रही आपकी आइसक्रीम। स्कीम घटिया हो या बढ़िया है तो मेरे फायदे की। सेठ जी आप तो सचमुच परेशान हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा वो जो आपने कह दिया मजाक कर रहा था, वरना मुझे कोई दूसरा पैंतरा सोचना पड़ता। पैंतरा? हाँ। पैंतरा तो मैंने मारा है सेठ जी, सीधे 3-4 लाख रुपए की बचत की। वो कैसे? मैंने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी। अजी शादी तो मैंने भी पक्की कर दी है, और लड़का भी ऐसा ढूंढा है जो दहेज ना ले। हाँ? हाँ। लगता है आपके हमारे सितारे बहुत मिलते हैं सेठ जी। मैंने भी ऐसे ही लड़का ढूंढा है, वो भी दहेज में एक पैसा नहीं लेगा। और लड़के का खानदान, वाह क्या बात है, लड़के का नाम सुनेंगे तो फड़क उठेंगे। क्या नाम है उसका? अजी उसका नाम नमस्ते जी, आप यहाँ बैठे आंटी नाना चोरी। सर जी मैं अब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सर जी कैसे हैं आप? कोई खातिर तवाजो में किसी तरह की कमी रह गई हो तो? पार्टी तो बड़ी शानदार है और हम तुम्हारा ब्याह भी इसी धूमधाम से करेंगे। अरे अरे भाईजान, तुम इधर क्या कर रहा है? उधर सब ऊपर नीचे हो रहा है। वो देख तेरी होने वाली तीनों बीया एक साथ बैठी। भाईजान शैला को सब स्कीम बता दिया क्या? पागल हो गया क्या? मालूम नहीं शैला को झूठ से कितनी नफरत है, अगर उसे पता चल गया तो मेरी तो। तुम भी मत बताना। हेलो दीपक, सीमा बोल रही हूँ। आप? अरे रात को मजा आ गया यार, मेरा तो वापस घर आने को जी ही नहीं कर रहा था। लेकिन तुमने एक बार भी रुकने को नहीं कहा, सारी रात तुम्हारे सपने देख देख कर काटी हैं। सुनो तुम तैयार होकर वापस पहुंच जाओ, मैं आ रही हूँ। एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं दीपक बोल रहा हूँ। आप बोलते कहाँ है जी? आप तो जलाते हैं, तड़पाते हैं, रात से सारा बदन दर्द कर रहा है। कहाँ? नैनो के कम तीर नहीं चलाए आपने हम पर? हेलो हेलो, एक मिनट। हाँ सीमा जी, कहाँ चले गए थे डार्लिंग? यही था। हेलो हेलो, एक मिनट सीमा जी। हेलो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। I love you, darling. You love me? Hello, Deepak.